ये वाला इन्होंने वो जीप से वो सामने की गए, और ये जो है वो यहाँ पे लगेगा, नहीं वहाँ पे लगेगा आयत का, नहीं नहीं उधर नहीं लगाते, इस साइड पे लगाते हैं। अच्छा, यहाँ पे बलून्स वगैरह लग जाएंगे। वैसे ये सूरज के ऑपोजिट है तो तस्वीरें सही नहीं आएंगी, अगर धूप में किया हमने तो शाम को करते हैं, फिर 6 बजे के 6 का टाइम रख लेते हैं, 4-5 तो बहुत गर्मी होगी। वो कह रहा है ना सारी दुनिया ने घरों के छतों पे सोलर लगाए हैं, देखो जरा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हम आयत की इंशाल्लाह बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं इस संडे को, 16th ऑफ जुलाई को इंशाल्लाह प्लानिंग कर रहे हैं। अभी हम एक जगह पे गए थे मलंगी रेस्टोरेंट, वहाँ पर जाके हमने चेक किया है इन्वायरमेंट वगैरह और उनका सारा सीटिंग वगैरह और बाकी उनका मेन्यू वगैरह भी चेक किया है। अभी हम जा रहे हैं कैलिस्टो बहरिया टाउन, फेज 8 में है ये, आई थिंक फेज 7 में है, फेज 7 में वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर चेक करते हैं उनका रेट्स वगैरह कैसे हैं और फिर डिसाइड करेंगे कि विच वन इज़ बेटर। हम चाह ये रहे हैं कि एक तो ईजिली सब कुछ हो जाए, व्यू अच्छा होना चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे गेस्ट आएंगे वो सारे कम्फर्टेबल होने चाहिए, उनको कोई इशू नहीं होना चाहिए। जाके देखते हैं कैलिस्टो का क्या सीन है और कंपेयर करेंगे दोनों को, एंड देन लेट्स सी, मे बी हम रेट्रो भी चेक करें जाके, रेट्रो भी देखेंगे, देखेंगे देख लेते हैं ना सारे उसमें से जो बेहतर लगता है। सबसे बेस्ट मेरा ख्याल है यही होगा कैलिस्टो, इतना मुझे लग रहा है इनका व्यू अच्छा है। अब मुझे प्राइसिंग वो नहीं पता ना कि इनके रेट्स वगैरह कैसे हैं और क्या सीन है, भी है। बाकी फोटोग्राफर को भी कॉल करेंगे इंशाल्लाह, और या दैट्स द प्लान। अभी कैलिस्टो चलते हैं एंड लेट्स सी कि उनके रेट्स वगैरह कैसे हैं। मुझे याद है मैं जब लाहौर में रहता था ना तो मैं ऐसे ही बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह एक टैक्सी के ऊपर ना अपना मैट्रेस रख के ले के गया था जब मैं अकेला रहता था लाहौर में एक ज़माने में। ये देख के ना मुझे वो नॉस्टैल्जिया हो रहा है। शादी से पहले है ना? शादी से पहले आई थिंक हो गए होंगे इसको कोई 8 साल, हमारी शादी को 8 साल हो गए। अच्छा फिर ज़्यादा हो गए, 10 साल हो गए। मुझे बहुत सारे लोग जो भी देखते हैं ना इस तरह से वो कहते हैं कि मतलब अभी भी यू कांट टेल कि क्या एज है। अगर आपको मेरी एज का अंदाज़ा हो रहा है तो नीचे कॉमेंट्स में मुझे बताएं। बहुत सारे लोग देख के कहते हैं कि जो है वो 22 साल का लड़का होगा, छोटा सा, बल्कि हम दोनों को आई थिंक देख के ऐसे ही लगता है कि छोटे छोटे होंगे। एक्चुअल एज नहीं पता होगी तो नहीं बताएंगे, बताना भी नहीं चाहिए आई थिंक, अच्छी बात है। आप हम गेस करके मुझे बताएं क्या एज लगती है आपको मेरी, और इनकी क्या एज लगती है आपको ये भी बताएं। जिनको पता है वो उनको तो पता है ना, जिनको नहीं पता वो बताएं। कितना रह गया जरा देखो, बंद कर दिया उसने, पेडल हो गया, आ गया किधर, आ गया ये इधर से लेफ्ट होना है ना, हाँ इधर से लेफ्ट होना है, यस राइट होना था। हम लोग कैलिस्टो पहुंच चुके हैं, ये अभी कैलिस्टो की पार्किंग में हम यहाँ पे ऊपर कैलिस्टो है, ये चेक करें बड़ा मज़े का बनाया हुआ इन्होंने, अच्छा है, वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ भी पार्क कर देते थोड़ा छाँव में ताकि धूप ना हो। इधर इनका सिर्फ एक मसला ये है कि यहाँ पे ना सीढ़ियाँ बहुत हैं, यहाँ पे देखो सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है आपको ऊपर तक, और अगर आपके साथ एजेड लोग हैं तो उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि सीढ़ियाँ चढ़ के जाना। लिफ्ट अब यहाँ पे कहाँ ही लगाएंगे, लिफ्ट तो लग ही नहीं सकती यहाँ, लेकिन यहाँ पे सीढ़ियों का थोड़ा मसला है, लेकिन व्यू बड़ा मज़े का है, बहुत खूबसूरत है, एक ग्रीनरी इन्होंने की हुई है और बड़ा ना अच्छा इन्होंने बनाया हुआ है, देखो ऊपर जो इन्होंने स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं इट्स वेरी नाइस। अब इनका ऑफिस ढूंढना पड़ेगा हमें कि ऑफिस की तरह इनका,
अभी वापस गाड़ी की तरफ जा रहे हैं और वाइल्ड मैन जाके देखेंगे। वाइल्ड मैन कैफ़े मैंने सुना है कि वो अरेंजमेंट्स करा देते हैं बर्थडे वगैरह की। अभी तक हम थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई ख़ास जगह मिल नहीं रही हमें, और अगर मिल भी रही है तो उसमें वो वाली अरेंजमेंट्स नहीं हो पा रही हैं। होपफुली मौसम थोड़ा चेंज हो गया, अल्लाह करे बारिश हो जाए। ऐसे आज रात को बारिश बताई गई है, ये बताया गया है कि शायद आज रात को बारिश होगी, न्यूज़ में बता रहे थे ना आज रात को बारिश होगी, शायद नहीं बता रहे थे। तो ये हमारी तलाश का दूसरा दिन था। इससे पिछले दिन हमने 2 से 3 रेस्टोरेंट्स चेक किए लेकिन हमें वो कोई ख़ास पसंद नहीं आए। ये जो नेक्स्ट रेस्टोरेंट हम देखने जा रहे हैं ये वाइल्ड मैन, और ये हमें पसंद आया, आपको चल के दिखाते हैं। सामने हमारे वाइल्ड मैन है, हम अभी अभी पहुँचे हैं लेकिन यहाँ मुझे लग रहा है कि इस टाइम पर बंद है। वाइल्ड मैन खुला है, बंद है वाइल्ड मैन? यार ये सामने वाइल्ड मैन है यार, तुम्हें पता ही नहीं वाइल्ड मैन कौन सा है? बता ही नहीं, नहीं पता, देखो बोलो मुझे नहीं आता, पता ही नहीं है, मतलब ये क्या बात होती है, बोलो मुझे नहीं पता। बर्थडे ओए भाई, इसका अब अंदर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा हमें क्योंकि सारे रास्ते बंद हैं, वो मेन गेट से जाना पड़ेगा अंदर, लेकिन मुझे नहीं लगता वैसे खुला होगा। हो सकता है इनका कोई बैठा हो ऑफिस के अंदर, सेटअप बना के रखा हुआ तो होगा इन्होंने कुछ ना कुछ, बुकिंग लोग करते होंगे ना ज़ाहिर है ना। कॉल करके देख लो भाई, कोई हुआ तो चुक ले। ये तो ये सामने खैर वाइल्ड मैन है हमारे, ये है यहाँ पर जाना चाह रहे हैं हम लोग। प्रॉब्लम ये है कि वो सामने रास्ता तो है लेकिन ऊपर जा, चलो आके देख लेते हैं, अब आ गए इधर तो मेरा ख्याल है एक दफ़ा जाके देख लेते हैं कि क्या क्या स्टोरी है। अब ये लास्ट ऑप्शन रह गया हमारे पास, ये वाली ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पे नहीं मिला तो फिर जो एग्जिस्टिंग 3-4 ऑप्शंस हैं उसके अंदर फिर थोड़ा बहुत प्लस माइनस करके देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट है, सबसे फीजिबल है, और उसको चूज़ कर लेंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त, आई थिंक दिस इज़ एग्जैक्टली समथिंग वी लुकिंग फॉर। वहाँ पे सामने अगर सेटअप हो जाए स्टेज का तो यहाँ पे बैठने की जगह बन जाएगी। सलामुअलैकुम, क्या हाल है? सो सारी ऑप्शंस देखने के बाद फाइनली वी डिसाइडेड के हम लोग वाइल्ड मैन पे ही सेलिब्रेट करेंगे। इससे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपको सारी सेलिब्रेशन नज़र आएगी, तो वीडियो देखते रहिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कैच यू इन द नेक्स्ट वन, थैंक यू, बाय बाय।